सकते हो एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। एक नंबर रौनक होती है दिवाली की। देखो मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए। सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और फ्रेश व्लॉग में, बिल्कुल गरम गरम व्लॉग में। तो गाइस, फिलहाल आज है 24 अक्टूबर। तो गाइस, आज तो पता ही होगा आपको क्या है, मंडे और दिवाली। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज हमारे भांजे का भी बर्थडे है, अदीप का। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाजी के घर पे, अदीप को बर्थडे विश करते हैं, उसका केक कट हो रहा है। तो सीधा चलते हैं बाजी के घर पे, सी यू। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं बाजी के घर। तो यहाँ तो भाई डेकोरेशन देखो, कितनी प्यारी हो रही है हमारे भाई। भाई तो डेकोरेशन देखो, कितनी प्यारी हो रही है। देखो, और ये हमारे आज का बर्थडे बॉय अदीप भाई। तो एक बार विश तो कर दो सब। डेकोरेशन देखो यार, कितनी प्यारी हो रही है। चलो तो केक कट करें भाई अब। चलो तो गाइस, केक कट हो रहा है। चलो कोई नहीं, ऐसी कर दो। हैप्पी बर्थडे चलो लेके भागो, जल्दी से भाग जाओ लेके भाई। ये तो हमारा हो गया, हम जा रहा है। हम जा रहे हैं लेके, हम ले लो। चलो तो भाई अब खाते हैं। केक खाएगा क्या? केक खाएगा? केक खाओगी? नहीं, बिरयानी खाओ। ये हमारी मायरा फुल स्मार्ट बेल बॉटम पहनी हुई है ये भी। अब तो इसे देखो, इसे पूरी केक की खाप खा रही है। जी थोड़े थोड़े खींच रहा हूँ। वो मेरा भी ले गया पत्ते दी। ये देखो इसको देखो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा भी केक ले गया। देखो पूरा भरी पड़ी थी प्लेट, और मेरा भी केक लेके भाग गया। वो चोर, मेरा भी केक लेके भाग गया। तुम्हें ब्लॉगिंग करेगा ले ब्लॉगिंग। तो गाइस, आज अदी भाई का बर्थडे है, हम सेलिब्रेट करना है। और अदी भाई की डेकोरेशन बहुत अच्छी है। अदी भाई को दिखाते हैं, वो इन्होंने नोनी क्या देखो, इन्हें देखो अदी भाई को है। ये देखो इनको, अदी भाई को जोकर अदी भाई मुंह दिखाई। एक मिनट, जोकर जोकर बन के जोकर। गाइस आ चुके हैं जैद भाई के पास। और जैद भाई ने बोले यहाँ तो सब है हमारा, आमिर भाई, मिस्टर फेजू लगा देंगे केचू। हमारे जैद भाई और मिस्टर फेजू भाई चाय भी चबा रहे हैं ना, भूख लग रही है बहुत तेज की। ये हमारे साहिब भाई हैं और ये हमारा आमिर भाई। तो यहाँ से चलते हैं हम जरा नस के पास बैठक पे। गाइस आ चुके हैं मनस भाई के पास, लेकिन जरा शादी आ रही है तो इनको करनी है शॉपिंग। तो हम चलते हैं अपने मॉडर्न मॉल। मॉडर्न याद आने में तुमने फिर कच्चे करा दिया, यही कराते हो तो कट कर देना। कैसी चीज लपलपाई, बंद करो। गाइस अभी हम जा रहे हैं मॉडर्न वॉक के पास, वहाँ से जरा कपड़े खरीदने हैं अनस भाई को। तो इन्होंने रात की शॉपिंग कर ली थी बिना बताए, तो अभी वहाँ से कपड़े उठाने आ रहे हैं। इन पर पैसे नहीं थे, इन्होंने वहीं रखवा लिए थे। नहीं, क्या क्या लिया पहले बताओ। दाने पैसे तो बता रहे थे, रेट सही लगवाने थे ना। अच्छा, तो क्या क्या लिया है बताओ। मैंने लिए हैं कोट पैंट, कुर्ता पजामा, लहंगा चुन्नी भी। 50 नेकर ले लिए इन, नेकर सेंडो बनियान तो सब कुछ ले लिया। नहीं, बरियान को लिया था वो बरियान। चलो तो गाइस पानी पी के चलते हैं अपने उस बंदे के पास सीधा कपड़े लेने। तो गाइस आ चुके हम भाई की शॉप पे, जैसा कि आप देख सकते हो। गाड़ी लगाना रे, क्या लगाता? नहीं, दोनों यहाँ खड़ी करती है भाई।
अब नया घर नहीं आ मेरे वाइफ को तुम्हारी गाड़ी का तो लॉक खराब है सही है वो लगाता बढ़िया लग गया तो गाइस ये है ये चूज करी हमारे अनस भाई ने ब्लैक पैंट और कौन सी है ये शर्ट है शर्ट ये निकाली थी ये वाली शर्ट काले पीले थी ये होने वाले हैं काले पीले और ये भी है भाई लेकिन मैं इसको सोच रहा था चेंज करने को पैंट एक जोड़ा इन्होंने लिया है वाइट हो गई ये भी प्लेन है भाई प्लेन ही लेते हैं प्लेन बढ़िया ये वाली वाइट अब इन पे एक शेड देखी थी यार मैंने रात वो ले लेना सर्दी हो गई लेकिन शेड है कुछ बहुत जेन्युइन शेड है वो लेकिन बादशाह का नाम मजा आया कॉम्बो तो सारे बढ़िया लिए हैं बढ़िया है बाकी आप रेट वेट करते हो और बाकी मैं भी देख लो तो अपने लिए अगर कुछ अच्छा होता है तो ये जीन्स सही लग रही है मुझे देखो अच्छी लग रही है चलो देखते हैं तो भाई शॉपिंग हो गई है हमारी अनस भाई ने ले लिया अपने कपड़े और मेरे को भी एक शेड पसंद आ गई मैंने भाई पे रखवा दिए एक आध दिन में मैं भी आके ले जाऊंगा तो गाइस आ चुके हैं बैठक पे और देखो यहाँ पे माल पाल भरा पड़ा माल पाल देखो कितना माल पाल है दिवाली का स्टॉक रुक गया इनका ये सारा माल मद्दा चल रहा है यार क्या कह रहे हैं कोई काम चलवा था हमारा काम चलवा था लगा पटरी ये बड़ी अच्छी बात कही आप ये कच्चा ना बेटा ये इतना कभी ना बिकेगा तो रहने दो तुम चुपी रहोगे चलो तो थोड़ा बेड़िया यहाँ पर सही है ना तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे तीन गंजे एक केरा एक ये मेरे और मेरे को तो जानते ही हो मेरे बाल है इनके फ्लावर घूमता हूँ मैं बस तो यहाँ थोड़ी मीटिंग वगैरह चल रही है जनवरी की क्या जनवरी में कहाँ जाना है आमिर भाई की कॉल आई है मैं कह रहा मैं भी चलूँगा मेरा भी नाम तो कॉल वगैरह आई है अभी मीटिंग वगैरह करके जैद कोई शायरी वायरी बता यार रोहतास नगर मार्केट डेकोरेशन देखते हैं क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा रश होगा काफी ज्यादा क्राउड होगा और डेकोरेशन भी हो रही होगी तो वो भी दिखाएंगे और ये देखो आशिक बनाया सो गाइस ये जो मेरी पेट्रोल की सुई है ना ये जीरो पे रहती है क्योंकि जो ना पेट्रोल में कभी डलवाते नहीं बिना पेट्रोल के चलती है ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है मैंने इसमें पेट्रोल डलवाना नहीं पड़ता फ्री में चलती रहती है ऐसी चलती है देखो बिना पेट्रोल के चलती है हमारी गाड़ी अगर किसी को ऐसी गाड़ी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं 75 लाख रुपए की है नहीं हम करवा देंगे मैं कर दूंगा सही है हम भी कर देंगे बस 1 लाख रुपए लेंगे हम कर देंगे तो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हो ये हमारा रोहतास नगर रोड और यहाँ क्राउड देखो कितना है देखो भाई गाइस ये वाले घर की लाइटिंग देखो यार कितनी प्यारी लग रही है तो गाइस यहाँ से डेकोरेशन होती है स्टार्ट और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन हो रही है देखो पूरे रोड पर हो रही है बिल्कुल लास्ट तक हो रही है यहाँ से स्टार्टिंग के बाद देखो जरा सा चूम लू मैं अबे ना वे ना वे ना कितनी प्यारी डेकोरेशन पूरा रोड पर हो रही है और आगे तो और भी बढ़िया हो रही है इस यहाँ से सारे शोरूम वगैरह शुरू हो जाते हैं कितने वो सारे कपड़ों के शोरूम जितने भी हैं वो होगा और रा रा ना भाई गाड़ी चला रहा है यार काफी एकदम बेहतरीन वाइफ्स आ रही है यार देख के एकदम बेहतरीन वाइफ्स आ रही है ओ बंदे की जान मिठाई पे देखो मिठाई वाले पे भीड़ देखो कितनी हो रही है सोना मिठाई वाला स्वीट यहाँ सारी मोबाइल की शॉप से यहाँ आपके मोबाइल्स के कवर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इस गली में सारी मोबाइल्स की शॉप है कल में से किसी को शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ आ सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ से पूरी लेडीज़ मार्केट शुरू हो जाती है ये देखो बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है दोनों साइड इस साइड भी और इस साइड भी दोनों साइड लेडीज़ की है पूरी मार्केट यहाँ से लेडीज़ मार्केट शुरू हो जाती है
और यहाँ से बच्चों के खिलौने भी ले, बच्चों को जरूर से लाना जो रोएंगे मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं पता मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये, मुझे तो ये चाहिए बस यही देना मुझे। हमारा आमिर भाई का तो अता पता नहीं है कहाँ है भाई, वो दिख ही नहीं रहा, पीछे की साइड है भाई, मतलब रश देख रहे हो कितना बुरा अलग ही मजेदार वाला। मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए एकदम। ये देखो दिवाली ऑटो, ये है दिवाली ऑटो, आगे वाली ये 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 यही गली है। तो गाइस बस आगे हम नहीं जा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, बहुत जाम लग रहा है, तो यहाँ से सीधा हम निकलते हैं अपनी तरफ। तो गाइस बस अब रोहतास नगर हम आगे ज़्यादा गए नहीं, आगे भी था लेकिन बट हम आगे नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा यार ट्रैफिक हो रहा था। बहुत रोहतास नगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, डेकोरेशन वहाँ ज़रूर से बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ देखो यार देखो कितना सब घर सजे पड़े हैं भाई, सारे सारे भाई आगे को ले लो जेगुआर वाला, देखो यार कितनी बेहतरीन। देख लो इसके एक साल में दो दो केक कट रहे हो भाई, मतलब अगले साल का ही बर्थडे है हमारे, अभी मना रहे हैं अदीप भाई। और दूसरा केक भी आ गया है, दो केक दिखा दूं दूसरा वाला, ये देखो भाई एक ही साल में दो दो केक कट रहे हैं, एक सुबह काटा और एक ही अब काटा। चलो चलो वन टू थ्री मेरा ये सब बच्चे हैं, हमारी मुट्ठी बजा रही है नई।
भाई खुश हो जाओ जरान मैं रो रहा क्या हो गया जरान ये अब मिलने अदीप को बर्थडे गिफ्ट ये गिफ्ट दे दो चलो दे ये मायरा की तरफ से ये पैसों में खेलना है अदीप भाई अब तो ये अदीप भाई को पैसे मिल गए तो गाइस आ चुके हैं हम बर्थडे सेलिब्रेट करके अदीप भाई का और काफी ज्यादा गिफ्ट मिले हमारे अदीप भाई को तो मैंने भी गिफ्ट दिया जो कि मैं आपको तो दिखा नहीं पाया और भी गिफ्ट मिले तो गाइस आ चुके हैं हम यहाँ पे अब बर्थडे सेलिब्रेट करके केक वगैरह कट करके खाना पीना खा के मैं आ गया था आमिर भाई की कॉल आई थी कि जरा यहाँ पर आ जाओ क्रिसमस पर तो भाई आमिर भाई बुला रहे थे तो आ गए हम क्रिसमस पर वो रहा क्रिस पस 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 लग गई है ये जैद भाई फुल स्टाइल में खड़े हैं तो भाई अब पता नहीं क्या खिलाने वाले जैद भाई देखते हैं क्या खिलाएंगे अब जब तक ऑर्डर आ रहा है तो बड़ा भारी तैयार कर लेते हैं तो गाइस आ गया अपना बड़ा भारी ऑर्डर जो कि जैद भाई ने दिया है वही वो बंदा कह रहा है कि भाई GST भी लगी तो कह रहा काई की GST है बड़ी भारी GST चला तो भाई खाते हैं हमने मंगाया है चिकन पॉपकॉर्न हमने मंगाई है चिकन पॉपकॉर्न इस पर लिखा नहीं है कभी सोच रहे हो इस पर लिखा हुआ तो गाइस देख सकते हो ये आ गई है हमारी आलू की पकौड़ी आलू पॉपकॉर्न चिकन पॉपकॉर्न है लेकिन आलू की पकौड़ी लग रही है देख आलू की पकौड़ी तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया मस्त गोभी की पकौड़ी में मजा आ गया बहुत ही बढ़िया लगी तो मजा आ गया अब यहाँ से कहीं और जाते हैं तो हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं कि भाई अब चलते हैं हम वहाँ पर जाइए लेके जा रहे हैं के लिए सी यू गाइस देख सकते हो एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली हैप्पी तो गाइस ये बहुत ही भारी रो रहा है तो बहुत ही मारा है भाई इन तीनों में लड़ाई हो गई देखो और अब लेके आ रहा है लड़ाई हो गई इनकी मैं भाई बहुत बहुत सही वाली लड़ाई हो गई इनमें मुझे खुद ही आ रही है जाम हो गया है तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ घर और टाइम हो रहा है रात के 10:30 और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर ही एंड तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना एक कमेंट ज़रूर कर देना कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना और चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करा दो तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ ये हमारा स्टाइल है अपना स्टाइल है अपन का स्टाइल सी यू इसकी मत बना चल मेरा पर्पस अल्लाह के बदले मेरा पर्पस कुछ और बता ले देखो बता ही ना रिया जेद तू बता दे कुछ अब हाँ ये कोई चैलेंज देगा मैं भी है मैं क्या बता रहा था वो कहाँ पहुँच गया तू चल बा